हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महमूद। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई वाड़ हाउस पर। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो अभी तो रात हो चुका है, इसीलिए मैं बाहर नहीं वीडियो बना रहा, घर के अंदर ही बना रहा हूं। तो आज का वीडियो है बाट्स पाल के कितना इनकम कर सकते हैं, कितना महीने में अर्निंग हो सकता है उस चीज़ के ऊपर। तो अभी तो मेरे पास बजरी घर है सिर्फ, तो इसीलिए मैं बजरी घर के ऊपर ही बताऊंगा कि महीने में कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फ़ोन ले लिया है कैलकुलेटर से चेक करने के लिए। अब एक मिनट रुक जाओ। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बर्ड्स पाल के उनका चिक्स बेच के तो वो बहुत सारा पैसा इनकम कर रहा है। तो ये बात भी सही है, आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा 100 पेयर के ऊपर। एक दो पेयर के ऊपर बताने से कुछ अच्छा नहीं होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं 100 पेयर के ऊपर बताऊंगा। तो आइए बताते हैं। तो पहले हिसाब कर लेते हैं खर्चा कितना आता है। देखिए, बाट जो होता है, बजरी घाट जो होता है, वो एक पेयर 3 महीने में 120 रुपये तक खर्चा आता है एक पेयर पे, मतलब दो बर्ड्स पे 3 महीने में 120 रुपये खर्चा आता है उनके पीछे। तो मैं हिसाब करूँगा 100 पेयर के ऊपर। तो 100 पेयर में आएगा 120 गुना 100, 12,000 रुपये। मतलब 100 पेयर बर्ड्स के पीछे 3 महीने में 12,000 रुपये खर्चा आएगा। 100 पेयर बर्ड्स मतलब 200 पीच, 200 पीच एडल्ट बर्ड, उनके पीछे 3 महीने में खर्चा आएगा 12,000 रुपये। अभी ये खर्चा अगर 3 महीने से डिवाइड करो तो महीने में 4,000 रुपये खर्चा आता है। मतलब 100 पेयर बर्ड्स रखोगे बजरी घर तो एक महीने में 4,000 रुपये खर्चा आएगा उनके पीछे। तो ये तो हो गया खर्चे की बात। अभी करते हैं अर्निंग कितना होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, बाजरी घर बर्ड्स हमेशा 6, 7, 8, कभी कभी 9, 10 भी अंडे दे देता है। तो हर अंडे तो फर्टाइल नहीं होता, कुछ कुछ अंडे लैप्स हो जाता है। तो जितना ही कम धर लो, जितना ही कम पकड़ लो, 4 चिक्स तो मिल ही जाते हैं। हर प्यार में 4 चिक्स तो मिल ही जाते हैं। तो अगर 100 प्यार में 4 करके चिक्स मिलता है तो 100 प्यार में होता है आपका 400 चिक्स 3 महीने में। मैं 3 महीने का हिसाब कर रहा हूँ, वो 3 महीने में एक बार ही बच्चे बड़े करते हैं। तो 3 महीने में आपको 100 प्यार में से 400 चिक्स मिलेगा। अभी 400 चिक्स जब वो सेल्फ फीड हो जाता है, उड़ना सीख जाता है, तभी आप बेच सकते हैं, दुकान में भी बेच सकते हैं या आपके पास कस्टमर आके ले भी जा सकता है। लेकिन आप जब दुकान में सेल करने जाओगे तो पाइकड़ी रेट लेता है, तो रेट बहुत थोड़ा कम होता है। आप जब भी कोई मतलब घर पे पालने के लिए 2-10 जोड़ा जब भी लेना चाहता है तो उनके लिए अभी रेट जो चल रहा है, आप 300 रुपये करके पीआर चल रहा है अभी, तो 300 रुपये आप ऐसे ही देते हैं। अगर दुकान में जाते हैं तो आपको देना पड़ दुकान में देगा करीब 100 रुपये पीस वो खरीदेगा दुकानदार। तो अगर 400 पीस, रुक जाओ, 400 पीस जो चिक्स होता है 3 महीने में, वो अगर 100 रुपये करके आप पाइकड़ी में देते हो तो भी आपका आता है 40,000 3 महीने में। अभी 3 महीने, एक महीने में हिसाब आता है 13,333 रुपये। तो ये 13,333 रुपये आ गया है। अभी आपका खर्चा था 4,000 रुपये, तो 13,333 माइनस 4,000 आता है 9,333।
तो ये हो गया आपका अर्निंग महीने में। 100 पेयर बाट्स पालने पर आपको महीने में 9,000 रुपये अर्निंग हो जा रहा है। तो इससे अच्छा और क्या है, आप बाट्स पालो, उनका केयर ट्रीटमेंट अच्छे से करो। अगर वो अच्छे से ब्रीड करता है तो आपके महीने में 8-9 हज़ार, 10 हज़ार ऐसे ही इनकम आ जाता है। तो ये है बाट्स पालने का फ़ायदा। लेकिन हाँ, एक बात, बाट्स का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। उन लोगों का सही तरीके से अगर केयर ट्रीटमेंट अगर सही नहीं करोगे तो बाट्स बहुत मर जाता है। उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगर मेरा इस वीडियो आपका कुछ काम आया तो मेरे इस चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वो सब भी जान के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।